हेलो दोस्तों, हिटेजी कंपनी का 14 इंच कटिंग मशीन मॉडल नंबर है CC14STD। इसमें जो आर्मेचर कंपनी तैयार किया है बहुत ही लाइट है। इसमें जो गियर होता है ना, कभी कभार टूट जाता है। इस मशीन में गियर टूट गया है, आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए। तो इसमें गियर है ना टूट गया है, घुमा के भी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छे से देखिए, इसमें गियर यहाँ से टूट गया है। इसमें बैरिंग डैमेज नहीं हुआ है, बैरिंग बढ़िया से चलते हैं। इसमें गियर बहुत ही लाइट है, थोड़ा सा लोड पड़ने पर टूट जाता है। इसमें गियर का जो टेक्निक कंपनी यूज़ किया है, थोड़ा पतला बना दिया है। बैरिंग उसमें आपको थोड़ा मोटे दिखाई देता है और गियर थोड़ा पतला है, इसी वजह से गियर बीच में टूट जाता है। आर्मेचर डैमेज प्रॉब्लम दूसरे मशीन में देखने को नहीं मिलते हैं। उसमें जो गियर यूज़ किए हैं बहुत ही अच्छे हैं, और उसमें गियर में जो शाफ्ट होता है ना, वो थोड़ा मोटे मेकिंग किया है, इसमें थोड़ा लाइट किया है, इसी वजह से ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। तो आपके साथ मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, मशीन को ओपन करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो अच्छे से देखिए। ये जो मशीन है बहुत ही लाइट है, इसमें बैरिंग जल्दी जल्दी डैमेज होता है, आर्मेचर भी टूट जाता है। तो आपको एक अच्छा वाला मशीन खरीदना है तो आप ड्यूल कंपनी का मशीन खरीद सकते हो, माकिटा खरीद सकते हो। तो आपके साथ कुछ शेयर करते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप ले सकते हो। देखिए, इसमें फील्ड कॉइल में मार्क नहीं हुआ है। आप बोल सकते हो इसमें बैरिंग प्ले हो गया, उसमें बॉडी में घिस रहा था, इसी वजह से गियर टूट गया है। ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें जो बैरिंग है ना, इसमें आर्मेचर देखिए, इसमें आर्मेचर में कहाँ पर भी टच नहीं हो रहा है, बीच से गियर टूट गया है। तो जो सच है आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। तो आपको एक अच्छा वाला आपको मशीन खरीदना है तो ये मशीन मत खरीदिए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। नया आर्मेचर ले लेते हैं, आर्मेचर को हम फिटिंग करेंगे। तो इसमें जो आर्मेचर में गियर आपको देखने को मिलते हैं, बैरिंग का जो जहाँ पर बैरिंग फिटिंग होता है वो देखिए थोड़ा मोटे है और गियर थोड़ा पतला है, इसी वजह से गियर बीच से टूट जाता है। तो आर्मेचर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, आर्मेचर बड़े से चल रहा है, तो आपको आर्मेचर को फेंकना पड़ेगा, क्यों? इसमें गियर टूट गया है तो आप काम चला नहीं पाओगे। तो ऐसे प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसीलिए हम वीडियो को शेयर किए हैं। तो इसमें जो गियर टूट गया ना, बैरिंग को हमें ओपन करना है। जब बैरिंग को ओपन करेंगे बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ था, पुलार इसमें पकड़ नहीं पाएंगे, तो बीच में टूट गया है। तो कैसे मैंने ओपन किया आपके साथ शेयर करते, वीडियो अच्छे से देखिए। पर से अच्छे से पकड़ के हम रख नहीं पा रहे हैं, तो कुछ भी सॉकेट डाल के ओपन करने की कोशिश कर लेते हैं। मैंने कुछ सोचा तो एंगल ग्राइंडर की मदद से इसको थोड़ा कटिंग कर लेते हैं, उसको थोड़ा जो जहाँ पे टूट गया ना उसको थोड़ा कट कर लेंगे ना, तो मेरे जो भाई स्पूलर है उसके मदद से हम इसको ओपन कर पाएंगे।
कटिंग हो गया है। वाइस पुलर से पकड़ के उसको ओपन कर लेते हैं। बड़े से ओपन हो गया है। पीछे वाला बैरिंग भी हम ओपन कर लेते हैं। ये मशीन में हाल ही में मैंने आर्मेचर में बैरिंग चेंज किया था, तो बैरिंग डैमेज नहीं हुआ है। एस्केप कंपनी का मैंने बैरिंग इसमें यूज़ किया है और उसमें प्ले भी नहीं हुआ है। तो बैरिंग मैंने ओपन कर लिया और बैरिंग नया आर्मेचर में फिटिंग करेंगे। देखिए दोनों आर्मेचर आपको देखने में नया लगेंगे। ये आर्मेचर भी नया है, मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसको चेंज किए हैं और एक साल से बढ़िया से आर्मेचर चल रहा है, तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो उसमें गियर टूटने के वजह से आर्मेचर को हमें चेंज करना पड़ रहा है। तो आर्मेचर में जो गियर है ना थोड़ा लाइट बना दिया, उसमें थोड़ा मोटे बना देता है, ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता है। हिटाची कंपनी का जो पुराना मॉडल है CC14 SF, उसमें आर्मेचर का जो गियर डैमेज होने का अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दिया है। मैंने बहुत सारे मशीन में आर्मेचर चेंज किया है, आर्मेचर जल जाता है तब उसको चेंज करते हैं, नहीं तो बैरिंग प्लेस थोड़ा प्ले हो जाता है तब चेंज करते हैं। उसमें बैरिंग प्लेस प्ले होने का भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं कि उसमें बैरिंग को बहुत अच्छे से पकड़ के रखने के लिए दो स्क्रू दिए हैं। उसमें फिटिंग्स बहुत ही अच्छे होता है, जल्दी डैमेज भी नहीं होता। वो मशीन बहुत ही अच्छा था, वो मशीन को बंद कर दिया, जल्दी डैमेज नहीं हो रहा था, इसी वजह से कंपनी उसको बंद कर दिया। तो मेरे शॉप में और एक मशीन लेके आया है, तो मैं जब रनिंग काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ मशीन लेके आता है। एक गोचिंग कंपनी का 1050 वाट का जो मशीन है वो मशीन लेके आया, उसमें चल नहीं रहा था। मैंने उसमें कार्बन डाल के चेक किया और फिर भी नहीं चला। मैंने उसको ओपन करके देखा, उसमें आर्मेचर फिल कॉइल दोनों डैमेज हो गया।
ग्राइंडर में बहुत सारे काम था, मैंने साइड में कर लिया। एक काम को मेरे को करना है तो साइड में करके मशीन को हम अच्छे से साफ सफाई करने के बाद आर्मेचर फिटिंग करके चला के दिखाएंगे। अब सफाई हो गया है, बैरिंग को हाइड्रोलिक प्रेस में फिटिंग कर लेते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस में बैरिंग बढ़िया से फिटिंग हो गया है, इसको हम फिटिंग कर लेते हैं अच्छे से साफ सफाई करके। आर्मेचर को फिटिंग करके मैंने देखा इसमें थोड़ा प्ले हो रहा है, तो इसको हमें गोंद से बढ़िया से इसको फिट कर लेना है। फेविक्विक देखे इसको फिटिंग कर लेते हैं। बड़ी साइज फिटिंग होने के बाद मशीन को हम चला के आपके साथ शेयर करते हैं। आपको ऐसे फिटिंग मेरे बहुत सारे वीडियो है, आप देख सकते हो। मैंने आर्मेचर चेंज किए, फ्यूल कॉइल चेंज किए, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, तो आपको फिटिंग बड़े से होने के बाद चला के दिखाते हैं। और इसमें जब भी इसको फिटिंग करके चलाएंगे उसमें गियर में थोड़ा साउंड करेगा, क्यों इसमें जो गियर था एक साल से चल रहा है तो उसमें गियर थोड़ा पुराना हो गया, और आर्मेचर में गियर जो है नया है, तो नया और पुराना गियर में जब भी उसमें घूमेंगे थोड़ा साउंड करेगा। थोड़ा देर चलने के बाद उसमें साउंड पहले जैसा हो जाएगा। कटिंग होके उसमें दोनों में जो फिटिंग्स होता है हो जाने के बाद बढ़िया से वर्क करेगा। तो कार्बन हम फिटिंग कर लेते हैं। 16 किलो हमारे में जो कार्बन फिटिंग होता है, तो कार्बन को आप ऐसे कुछ चेक कर लेना। तो ऐसे चेक करने पर उसमें हाथों में जब भी उसमें कार्बन का डस्ट आपका हाथों में लगते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, और हार्ड होने पर उसमें आपके शरीर में कुछ भी कार्बन का डस्ट नहीं लगेंगे। तो कार्बन हम फिटिंग करके मशीन को चला के आपके साथ शेयर करते हैं।
গিয়ার একটু আওয়াজ করবে, কারণ গিয়ারটা তো কেটেছে বুঝলে, নতুন গিয়ার আর পুরনো গিয়ারের জন্য একটু আওয়াজ করবে। হ্যাঁ দেওয়া আছে তো, পুরো ফুল ব্রিজ দেওয়া আছে। ওইটা এটা সোজা হয়ে গেছে কষে কষে, ওইটা ওই নাটটা ওয়াশারটা এটা। হ্যাঁ দেখেন বলছি কি বলছি বুঝবে বুঝবে। হ্যাঁ বুঝতে পারবে এটা সোজা হয়ে গেছে। হ্যাঁ ওইটা সোজা ওয়াশারটা সোজা হয়ে গেছে, মুখ চারদিকে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে। ওইটাকে মেরে বসিয়ে দিলে কষা যেত, নাটটা তো বেরাবে না, ওইটা বেড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু আরো বড় হাইড্রোলিক মেশিন আছে। হ্যাঁ আমাদের ওই সাইডে হাইড্রোলিক মেশিন আছে তো, বড় হাইড্রোলিক। আমার হাইড্রোলিকটা ঠিক দেয়নি, অত প্রেসার নাই। এই মাপে ওয়াশার নেবে এইখানটায়, ঠিক আছে? এই মাপটাই বাইরেটায়, হ্যাঁ দেখা যায়। আর এই ছোট মাপটায় ঢুকবে, বুঝতে পারলে? নাটটা এমন খুলে যায়, দুবার হাইড্রোলিক প্রেসার দিবে খুলে বেরিয়ে যাবে, সমান করে বসাবে, বুঝতে পারলে? আমার হাইড্রোলিকটা ঠিক দেয়নি, আমার হাইড্রোলিক ক্ষমতা। আমার হাইড্রোলিক কোথায় আছে? না ওইখানে আছে, এই রানাঘারে যেমন বড় বড় পাড়াল দেয় হাইড্রোলিক আছে না, ওখানে কষা আছে না? না বুঝতে পারছি না, ফ্রি হয়ে যাচ্ছে। তোমার এখানে একটু টেপা করতে হবে, আমার হাইড্রোলিক লিবে নি। আমার হাইড্রোলিক কত ক্ষমতা, বোল্টটা বেরিয়ে গেলে হয়ে যেত। হ্যাঁ এখানে এটা এরকম বড় একটা জিনিস লাগবে বলে দিচ্ছি, যে এরকম মানে মাল লাগাতে হবে, এখানটায় খাওয়াতে হবে, ঠিক আছে? এরকম আমি দেখাচ্ছি, আমার হাইড্রোলিক টানবে না, আমার হাইড্রোলিক পেশার না। দেখো পেটটা পেটটা খুলে গেল না, সেটাকে আমি উঠিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? উপরটা ওইটাই তো বলছি, তাহলে আর ভালোভাবে বসবে না, বসছিল নি। হ্যাঁ এটা হাইড্রোলিক দিয়ে প্রেসার দিতে ঠিক হবে, তারপর বসলো তো রকেট। হ্যাঁ বসলো, আবারই বসবে পাকেটে দাদা দাদা দাদা। ওইটাই কষা হচ্ছিল নি, ওইটা তোল ছিল মনে হচ্ছে, ওইটা তোলা ছিল, ওইটা তো দেখো তোলা কোনটা ছিল, ওইটা উপরেটা না? এটা নষ্ট হয়ে গেছে, একটু সোজা করবো, ঠিক আছে? হয়ে যাচ্ছে ওইটা, রেডি? হ্যাঁ রেডি। Hello.